दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में काम करने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों को छठ का त्योहार आते ही ट्रेनों में बसों में भर भर के अपने गांव जाना पड़ता था छठ का त्योहार मनाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है कि जो पूर्वांचली भाई बहन हमारे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, उनको अपने इस त्योहार को मनाने के लिए दिल्ली छोड़ना ना पड़े। हमारे पूर्वांचली भाई बहन भी दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं, दिल्ली उनका भी घर है, और इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को, जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। Z News.